हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वीट और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी, जो आप फटाफट बना लेंगे जब भी आपका और आपके बच्चों का मीठा खाने का मन करे। आज हम बहुत ही स्वीट रेसिपी बनाने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम सामान है। उसके लिए एक कटोरी मैदा लिया है, 3/4 कप या कटोरी जो भी आप लें उसी के नाप से लें। 3/4 कटोरी चीनी है पिसी हुई और एक 1/2 कटोरी घी है, थोड़ी 2 से 3 इलायची हैं हरी वाली जो हमने क्रश कर ली है। अब कढ़ाई गरम कर लेंगे या पैन ले लेंगे, उसमें हम ये 1/2 कप या 1/2 कटोरी जो हमने घी लिया है वो डालेंगे और घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें हम ये मैदा डाल देंगे। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर ही सेकेंगे इसको, हाई ना करें क्योंकि मैदा बहुत जल्दी से जल जाता है। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब। सीख चुकी है अच्छी, इसमें सौंधी खुशबू भी आने लगी है। 10 मिनट से ज़्यादा ना सेके, नहीं तो ये जल जाएगी। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसको हमें बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। गरम में शक्कर नहीं डालेंगे, नहीं तो शक्कर का पाउडर वैसे वो पाउडर है और पिघल जाएगी। इसको थोड़ा गुनगुना होने देंगे। ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, पर गुनगुना ही रहने दें, ज़्यादा ठंडा ना करें। इसमें हम इलायची के दाने डाल देंगे जो हमने क्रश किए थे। अब हम शुगर मिलाएंगे, शुगर हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, इकट्ठी ना डालें। और मीठा आप अपने हिसाब से रखें। अब हम जो बची हुई थी वो भी सारी डाल देंगे और फिर अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो हाथों की सहायता से भी मिला सकते हैं, अच्छे से हाथों कर हाथों से मिला लें। शुगर मिला लिए, अब इसको हम एक प्लेट में या डिब्बे में जिसमें भी आप जमाना चाहें जमा लें। ये हमने प्लेट में घी लगा लिया है, इसको घी से ग्रीस कर लें और ये सारा इसमें हम पोर कर देंगे। सारी शुगर पाउडर हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है और एक प्लेट या डिब्बे में जिसमें भी आप जमाना चाहें बर्फी को, उसमें घी से उसको ग्रीस कर लें। हमने करके रखी है एक प्लेट, अभी हम उस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे सारी जमाने के लिए। प्लेट में हमने जमा दी है, ऊपर से चम्मच से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे से स्मूथ। और इसको फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए जम बर्फी जम चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, आप जिस भी शेप में चाहें उसमें काट सकते हैं। बर्फी बनके एकदम तैयार है, बहुत ही स्वीट और बहुत जल्दी बनने वाली और बच्चों को बहुत पसंद आती है। जब भी बच्चे आपका कुछ मीठा खाने को मांगे तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, एक तोड़ के भी दिखा देंगे हम आपको। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्वीट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।